Subscribe now to receive new updates every day. पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल एक बार फिर विवादों की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल टीम के कोच पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीसीबी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे एक हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उमर अकमल कंट्रोवर्सी में आए हों। विवादों और उमर का काफी करीबी नाता है। नवंबर 2015 में उमर अकमल को अपने कुछ साथी प्लेयर्स के साथ प्रोस्टिट्यूट्स का मुजरा देखते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया था। ये घटना पाकिस्तान के हैदराबाद शहर के एक फ्लैट में हुई थी, जहां पुलिस ने छापा मारा था। छापे के दौरान वहां कुछ प्रोस्टिट्यूट्स गैर कानूनी तरीके से मुजरा करती पाई गई थीं। वहां उमर अकमल के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ देर बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उमर को इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया था। बाद में पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर पीसीबी ने उमर पर से आरोप हटा लिए थे। वीडियो में दिखे थे लड़की के साथ। उमर अकमल इस साल मई उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उनका एक वीडियो पाकिस्तान में खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे एक लड़की के साथ दिख रहे थे। ये वायरल वीडियो एक प्राइवेट डांस पार्टी का था, जिसमें वे एक लड़की के साथ काफी करीब होकर डांस कर रहे थे। हालांकि हैरानी की बात ये थी कि इस वीडियो के आने से कुछ दिन पहले ही उमर अकमल फिटनेस टेस्ट में फेल होने की वजह से टीम से बाहर हुए थे। ऐसे में उनके इस डांस वीडियो के लीक होने के बाद क्रिकेट फैंस ने फिटनेस टेस्ट में फेल होने की वजह उनकी लापरवाही को माना था। इसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उमर को 12 महीने के केंद्रीय अनुबंध पाने वाले 35 प्लेयर्स की लिस्ट से भी हटा दिया था। भाई के लिए मनाया था चोटिल होने का बहाना। उमर अकमल पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर अपने बड़े भाई कामरान अकमल के लिए झूठ बोलने का आरोप लगा था। ये इंसिडेंट साल 2010 में पाकिस्तानी टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान हुआ था, जब हुबार टेस्ट के लिए कामरान अकमल को बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उमर ने भी खुद को अनफिट बताते हुए उस मैच में खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन सबका मानना था कि भाई को बाहर किए जाने के विरोध में उमर ने अनफिट होने की बात कही थी। उमर की इस हरकत के बाद दोनों भाइयों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। साथ ही पीसीबी से बिना परमिशन लिए मीडिया से बात करने की वजह से उमर पर लाखों रुपए का फाइन भी लगा था। ऐसा रहा है करियर। उमर अकमल ने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इसी साल उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 डेब्यू भी किया। डेब्यू टेस्ट मैच में ही उमर ने सेंचुरी लगाते हुए कमाल कर दिया था। वे विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बने थे। उमर ने अब तक 16 टेस्ट मैच खेलकर 1003 रन बनाए हैं, जिसमें वे एक सेंचुरी और 6 फिफ्टी भी लगा चुके हैं। वे वनडे करियर में अब तक 116 मैच खेलकर 3044 रन बना चुके हैं। वनडे मैचों में उनके नाम पर 2 सेंचुरी और 20 फिफ्टी दर्ज हैं। टी20 करियर में उन्होंने 82 मैचों में 1690 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में वे 8 फिफ्टी लगा चुके हैं और उनका बेस्ट स्कोर 94 रन है। लाहौर में जन्मे इस क्रिकेटर के परिवार में उनके अलावा उनके दोनों भाई अकमल और अदनान भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.